अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं आपका कुकिंग विद ज़ैफ़ा यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो में आपको बनाना बताएंगे कि होममेड इजी और टेस्टी केचप कैसे बनाई जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानकारी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए पास वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दें। इजी होममेड केचप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, टमाटर लेंगे 1 किलो और इनको छोटा छोटा मैंने काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें लेंगे 2 अदद, लौंग लेंगे 4 अदद और काली मिर्च लेंगे 4 अदद और 1 कप के करीब सिरका ले लेंगे वेनेगर। इनको एक बर्तन में डाल देंगे। ग्रीन मिर्च ये भी डालेंगे साथ। अब इनको चूल्हे पर रख लेंगे। हो गई है, अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख लेंगे इसको नरम होने के लिए। जैसे ही नरम हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। रमज़ान में केचप सबकी बहुत फेवरेट होती है, इसलिए मैं सोचा कि आप क्यों ना आपके साथ ये शेयर की जाए। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तब तक हम ढाँप के रह देते हैं। 10 मिनट तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं, देखें हमारे मज़े केचप बन के रेडी होने वाले हैं। इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और फिर दोबारा 10 मिनट के लिए इसे और रख देंगे। जितने सॉफ्ट होंगे ग्राइंड करने में उतनी ईजी होगी और उतनी ही टेस्टी केचप बनेगी। ये मिर्चें भी अंदर बन जाएंगी। ये देखें कितनी मज़े की केचप लग रही है अभी से ही, इतनी खुशबू की आ रही है। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखें कैसी गजब की खुशबू आ रही है। केचप हमारे पास बन के रेडी होने वाली है। अब चूल्हे को ऑफ कर देंगे। अब इसे रख लेंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा होगा तो हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो अब मिलेंगे हम अपने से ग्राइंड करने के बाद। सिर्फ कुछ मैदे से ग्राइंड करना है, तब हम ग्राइंड होने के बाद मिलते हैं। ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारी केचप नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है। अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें जग में डाल देंगे सारे। पुन लेंगे जारी के अंदर डाल के थोड़े थोड़े करके डालेंगे और अच्छे से काट लेंगे। जितने भी इसके छिलके होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। इसी तरह सारी काट लेनी है। इसी तरह आपने सारी कर लेनी है। टमाटर की प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी स्मूथ है, इसके अंदर कोई भी इसका छिलका नहीं है। अभी इसके जो छिलके हैं ये वेस्ट हैं, इसे हम डस्टबिन में फेंक देंगे और इसे दोबारा हमने फ्लेम ऑन कर ली है। इसे हीट अप करेंगे। एक कप के करीब चीनी डालेंगे। आप चाहें तो पाउडर चीनी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसी तरह ताकि अच्छी तरह इसके अंदर घुल जाए। एक कप के करीब जो सिरका है वो मिक्स करेंगे इसमें। अब अच्छी तरह इसको 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे ही 3 मिनट के लिए पक जाएगी फिर हम इसके अंदर नमक और चीनी, नमक और मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 टेबल स्पून नमक का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हिला लेंगे। जैसे ही ठीक होने लग जाएगी तो हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। हमारी केचप बनकर रेडी होने ही वाली है। ये देखिए कितनी थिक है। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। अब फ्लेम ऑफ करेंगे।
और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं इसके ठंडा होने के बाद। दो तीन घंटे के लिए रख देंगे इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो इसे डिश आउट कर लेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ठीक मज़े की और लजीज बनी है। चलिए देखते हैं और मिलते हैं पाँच दो तीन घंटे बाद। रूम टेम्परेचर पर रखेंगे इसे। हमारी केचप बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बड़े बोल के अंदर डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं केचप कितनी थिक है। हमारी आज की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। अगर आप हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।